एक लोमड़ी एक चील की सहेली बन गई। दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम पास रहें? पेट की फिक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं और मेरा ध्यान बच्चों की फिक्र में लगा रहता है। क्यों ना तुम यहीं कहीं पास ही रहो, कम से कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगी। चील ने लोमड़ी की बात से इत्तेफाक किया और आखिरकार कोशिश करके रिहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया। इसका तना अंदर से खोखला था, इसमें शगाफ था। दोनों को यह जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ शगाफ में और चील ने पेड़ पर बसेरा कर लिया। कुछ अर्सा बाद लोमड़ी की गैर मौजूदगी में चील जब अपने घोंसले में बच्चों के साथ भूखी बैठी थी, उसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी का एक बच्चा उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाया। उसने बच्चों को इधर उधर बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। आंखों से आंसू बहाने लगी। चील भी दिखावे का अफसोस करती रही। दूसरे दिन लोमड़ी जब जंगल में फिर शिकार करने चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब पाया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, उसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे खा गए। लोमड़ी को चील पर शक जो हुआ था वो पुख्ता यकीन में बदल गया कि इसके तमाम बच्चे चील ही ने खाए हैं। अगर वो चुप रही, कोई गिला शिकवा ना किया, हर वक्त रोती रहती और खुदा से फरियाद करती रहती, या खुदा मुझे उड़ने की ताकत अता फरमा ताकि मैं अपनी दोस्त नुमा दुश्मन चील से अपना इंतकाम ले सकूं। खुदा ने लोमड़ी की इल्तिजा सुन ली और चील पर अपना कहर नाजल किया। एक रोज़ भूख के हाथों तंग आकर चील तलाश रोजी में जंगल में उड़ी चली जा रही थी। एक जगह धुआं उठता देख कर जल्दी से उसकी तरफ लपकी। देखा कुछ शिकारी आग जलाकर अपना शिकार ढूंढने में मसरूफ़ है। चील का भूख से बुरा हाल था, बच्चे भी बहुत भूखे थे। सबर ना कर सकी, छक्का मारा और कुछ गोश्त अपने पंजों में अटक कर घोंसले में ले गई। उधर भुने हुए गोश्त के साथ कुछ चिंगारियाँ भी चिपकी हुई थी। घोंसले में बिछे हुए घास फूस के तिनकों को आग लग गई। घोंसला भी जलने लगा। उधर तेज़ तेज़ हवा चलने लगी। घोंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही ना दी कि चील अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सके। वहीं तड़प तड़प कर नीचे गिरने लगे। लोमड़ी ने झट अपना बदला ले लिया और उन्हें चबा चबा कर खा गई। हंसले का नाम, जो किसी के लिए कुआं खोदता है खुद भी इसमें जा गिरता है। इसलिए सियानों ने कहा है कि बुराई करने से पहले सोच लें, कहीं बाद में पछताना ना पड़े।